सर में फिर शरद सर का वीडियोस मिला और शरद सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। उसी के बाद से एमसीए का सोच लिया था पहले से, कि फिर भी इतना टाइम इतना एफर्ट देके सर ने हम लोग को पढ़ाया था। मॉक टेस्ट है निमसेट निकालने का ब्रह्मास्त्र। एक और निमसेट 22 के टॉपर से मिलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 87 अक्रोजीत, जो कि कोलकाता से हैं और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए। तो अक्रोजीत, सबसे पहले तो आपको 87 रैंक के लिए आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं अपनी सक्सेस जर्नी बताएं उसके पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये रैंक जो है वो फाइनल ईयर के साथ अचीव किए, बहुत अच्छे से सिंसियरली साल भर मेहनत की, सारे टेस्ट दिए। तो अक्रोजीत, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, एक तो ग्रेजुएशन के साथ ये मैनेजमेंट कैसे हुआ, कब सोचा, और आपने अपनी पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, ये मैं चाहूंगा आप अपनी डिटेल में बताएं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्कुजीत बेरा, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में की है। जर्नी की बात की जाए तो भाई बहुत सही जर्नी था। जब कोरोना वायरस हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा अवदान था इस रैंक में। तो जब पैंडेमिक फैला तो सब घर में बैठ गए, तो मैंने सोच लिया कि बस यही मौका है, सब बैठे हुए तो अपने को उठना है। तो उसी के बाद से एमसीए का सोच लिया था पहले से, कि एनआईटी से होता है तो अच्छा प्लेसमेंट पैकेज का स्कोप है। फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो शरद सर मिले, और शरद सर का जो मतलब क्लासेस मतलब यूट्यूब में भी होती थी, उस 1.5 घंटे में सर जो कंटेंट दे देते थे भाई, टू गुड, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। मैं शब्दों में आप लोग को समझा नहीं सकता अगर आप लोग क्लास नहीं करेंगे तो। उसके बाद ही अराउंड 2020 के अगस्त में मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था, ऑनलाइन कोर्स। फिर सर के साथ ही पढ़ते गए। मतलब कंसिस्टेंसी, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो चीज़ हम लोग को क्लास 11 12 में 2 साल से पढ़ाया जाता है, वो भी शायद ही पढ़ाया जाता है सारे स्कूल में, है ना। वो सर 1 साल वीकली 5 क्लासेस, कभी कभी 6 क्लासेस हो जाती थी, फिर भी इतना टाइम इतना एफर्ट देके सर ने हम लोग को पढ़ाया था। कि मतलब आप लोग अगर एक आइडिया में दे सकता हूँ कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री 3 महीने हुआ था और कैलकुलस अराउंड 6.5 मंथ्स हुआ था, तो आप सोच सकते हो कि मतलब किस लेवल का हम लोग को कंटेंट मिला है यहाँ। तो बस वैसा होते होते ही, और प्रिपरेशन की बात की जाए तो मॉक टेस्ट है निमसेट निकालने का ब्रह्मास्त्र। आपने मॉक टेस्ट में जितना जो प्लान किया है, जो परफॉर्म किया है, जो आपको आता है वैसे ही आपको करते जाना है, वही प्लान एग्जाम के दिन एग्जीक्यूट करना है। फिर सर ने बता ही दिया था। फिर वो हम लोग के यहाँ पे अराउंड 68 मॉक हुए थे, तो सर ने बताया था कि भाई आप लोग को 20 तारीख में जाके 69th मॉक देना है, और आप देख लेना कि आपको सारे मॉक से ये वाला मॉक सबसे इजी मिलने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ। मतलब भाई भाई पता तो मेरे को भी था कि इजी आने वाला, लेकिन इतना इजी आ जाएगा मेरे को नहीं पता था यार। वैसा ही मतलब एक्सपेक्टेड पेपर आया, 40+ क्वेश्चन अपने मॉक से थे, और एलआर का तो भाई क्या ही बताया, मतलब शायद कोई भी कर ले उतना एलआर, है ना। और कंप्यूटर तो मतलब प्रतीक सर को मैं मतलब जितना पता उतना कम। प्रतीक सर ने, मेरे को अभी भी याद है, वीक से मतलब एग्जाम एक्चुअल एग्जाम डेट के ठीक 4 दिन पहले प्रतीक
डॉक्टर ने एक क्लास ली थी, एक कंसेप्ट बताया था, आप लोग को शायद पता होगा, वो लॉग वाला क्वेश्चन जो एन बिट्स रहता है और डी डिजिट्स रहता है, तो उसके बीच में रिलेशन क्या है, एक लॉग का रिलेशन रहता है। ठीक वही क्वेश्चन सर ने ठीक पहले दिन 1 घंटा समझाया था, वही का वही आ गया। और मतलब 9 क्वेश्चन तो प्रतीक सर के थे और एक वो डिस्क मैनेजमेंट का था शायद, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन 9 क्वेश्चन तो भाई यही से थे, जमशेदपुर वालों ने इम्पीटस का ही पेपर बना दिया है ना। तो बस ऐसे ही चलता गया, शरद सर का प्यार और प्रतीक सर की डांट खाते खाते साल निकल गया, पता भी नहीं चला। और मतलब इस 87 रैंक के लिए आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, इसके लिए मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को और सभी फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली शरद सर, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स, बहुत ज़्यादा आभार। मैं शायद ही इसका शायद मैं लफ्ज़ों में समा पाऊँ इतनी सारी बातें, बट थैंक यू सर, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। देखिए, अभी जो अक्रजीत ने बात बोली बिल्कुल सच बात है। कई बार हमारे 11th 12th में, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा कई बच्चों के 11th 12th के कंसेप्ट वीक होते हैं, और वही एक बहुत बड़ी वजह होती है, हम मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। और मेरी वही कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें पढ़ें। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगा, चाहे आप पढ़ाई कैसे भी करें, कहीं से भी करें, पर अगर आप कंसेप्ट बना के पढ़ाई करेंगे, लॉजिकल पढ़ाई करेंगे, तो आपको एक अच्छी रैंक, अच्छी चीज़ मिलेगी। देखिए, पढ़ाई से बहुत जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है, पर अगर आप केवल रटने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो अक्रजीत, आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को। अब आप ऐसे ही NIT में भी जाके परफॉर्म करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।